हाय फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरह से इस स्नैक क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसे सॉल्व करके बताऊंगा। तो दोस्तों, इस स्नैक क्यूब को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसे स्नैक क्यूब और लाइन क्यूब दोनों कहा जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, हमें इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह की हेक्सागन शेप की बॉल बनानी होती है। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे सबसे पहले एक लाइन में बनाना होगा। उसके बाद हमें इसे इस तरह से पकड़ना होगा, जहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड पे ये स्लैंटिंग जाए नीचे की तरफ और ये इस तरह से हो। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम ब्लॉक को अंदर कैसे करेंगे और बाहर कैसे करेंगे। अगर हमें ब्लॉक को अंदर बाहर करना है तो हम इसको पकड़ कर बाहर की तरफ घुमाएंगे इस तरह से। और अगर हमें ब्लॉक को अंदर की तरफ करना है तो हम ब्लॉक को पकड़ कर अंदर की तरफ घुमाएंगे इस तरह। तो इसी तरह दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जो व्हाइट ब्लॉक है इसे बाहर की तरफ घुमाना, फिर जो ये रेड ब्लॉक है इसे अंदर की तरफ घुमाना इस तरह से, और फिर हमें इसे इस तरह से पकड़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लैंटिंग लाइन बन चुकी है। अब हमें ये वाले रेड ट्रायंगल को पकड़कर इसी तरह से स्लैंटिंग बनाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों साइड स्लैंटिंग है और बीच में व्हाइट ट्रायंगल है, और आपको यहाँ पर एरो के मुंह का शेप मिलेगा। दोस्तों, हमें इसे इस तरह से पकड़कर ये व्हाइट वाले ट्रायंगल को पकड़कर अंदर की तरफ लाना इस तरह से। उसके बाद अगले वाले व्हाइट ट्रायंगल को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाना। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, इन्हें जब हम मिलाएंगे तब हमें एक ब्लॉक मिलेगा इस तरह से। हम इसे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और ये हमें एक ब्लॉक मिल जाएगा। अब इसी तरह से हम इधर भी एक स्लैंडिंग लाइन बनाएंगे इस तरह से। हम अब ये पहले व्हाइट वाले ब्लॉक को पकड़कर बाहर की तरफ लेंगे, फिर दूसरे व्हाइट ब्लॉक को पकड़कर अंदर की तरफ। अब यहाँ पर फिर से ब्लॉक बन रहा है, हम इसे थोड़ा सा स्लाइड करके फिर से एक ब्लॉक बना लेंगे। दोस्तों, हमें इस तरह के 6 ब्लॉक बनाने होंगे। हम फिर से स्लैंटिंग लाइन करेंगे इस तरह की, फिर उसके बाद सेम स्टेप लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी। व्हाइट ट्रायंगल को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर दूसरे व्हाइट ट्रायंगल को पकड़कर अंदर की तरफ लाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये ब्लॉक बन रहा है, हम इसे ब्लॉक बनाएंगे और इसे भी हम स्लैंटिंग बनाएंगे थोड़ा सा घुमाकर। अब दोस्तों, ये स्टेप थोड़ी अलग है। हम पहली स्टेप में हमने इसे बाहर की तरफ ले गए, लेकिन इस बार हम इसे अंदर की तरफ लाएंगे। अब हम दूसरे ट्रायंगल को बाहर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। अब हम इसे थोड़ा सा स्लाइड करके ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब दोस्तों, हमें आखिरी ये दो ब्लॉक बनाना है। तो इसे बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम रेड वाला ब्लॉक पकड़ के इसे ऊपर ले जाएंगे और घुमाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, इस तरह हमारा होना चाहिए। फिर हम पहला व्हाइट ब्लॉक पकड़कर इस तरह से ऐसा खड़ा घुमाएंगे, ये इस तरह से ऐसा खड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इधर से ये वाले व्हाइट ब्लॉक को पकड़कर बाहर की तरफ घुमाएंगे और ये वाले रेड ब्लॉक को पकड़कर बाहर अंदर की तरफ घुमाएंगे इस तरह से। देखिए, हम यहाँ पर ब्लॉक को लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये बॉल बन चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।